दोस्तों रेडमी ने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए जहां आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, एक लैपटॉप और तीन टीवी सेगमेंट में आप देखने को यहां से मिलते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्या वो फ्लैगशिप लेवल के फोन रहेंगे या लैपटॉप रहेंगे या आपके टीवी सेक्शन में आने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं फोन के बारे में, फोन सेगमेंट में देखा जाए तीन इन्होंने फोन लॉन्च किए, दो आपके 5G फोन है और एक 4G फोन है। पता नहीं 4G फोन क्यों निकाला, 5G सब हो रहे हैं, 4G रेड इंडिया के लिए निकाला कम बजट के, देखते हैं वो छोड़ो, पहले देख लेते हैं 5G फोन के बारे में। पहला जो सेगमेंट आपके सामने आता है यहाँ पे 10X 5G आता है। इसमें आप फीचर स्पेसिफिकेशन देखने को जो मिलता है, जो आपके डुअल नैनो सिम ट्रे के साथ ही आपको देखने को मिलता है, उसके साथ आउट ऑफ द बॉक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है यहाँ पे दोस्तों, MIUI 12 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, MIUI 12 ये आपको वहां से देखने को मिलता है और इसमें आपको एंड्रॉइड 10 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात की जाए, यहाँ पे बहुत ही लंबा डिस्प्ले है, 6.57 का इनका डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाएगा, जहां आपको वाटर ड्रॉप नॉच का कैमरा आपको देखने को डिस्प्ले में मिल जाता है दोस्तों। और जहां ये डिस्प्ले में आपको जो लंबा तो स्क्रीन दे दिया बट उसमें आपको HDR 10 का भी सपोर्ट जो देखने को मिलता है बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इतना बड़ा डिस्प्ले के साथ HDR 10 नहीं देगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसमें आपको HDR 10 का भी सपोर्ट मिल जाए। दोस्तों मैंने बात कर लिया डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले में बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बट प्रोसेसर यूनिट की जो पावर यूनिट आता है इसमें आपको देखने को मिलता है दोस्तों 7nm का MediaTek का डायनेमिक 820 प्रोसेसर और उसमें आपको माली G57 MC5 GPU यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। रैम और स्टोरेज की अगर बात कीजिए यहाँ पे दोस्तों 8GB की रैम और 256GB की स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। और 10X 5G में अगर कैमरा सेटअप की अगर बात की जाए, जो कि यहाँ पे देखने मिला बहुत ही बढ़िया कैमरा सेटअप देखने मिलता है, जहाँ आपको 48MP का आपको जो कैमरा मिल जाता है मेन कैमरा जो आपके सामने आता है, उसके साथ आपको 8MP का अल्ट्रा वाइल्ड कैमरा मिलता है, जो आप अल्ट्रा वाइड एंगल्स के साथ आप कैप्चर वगैरह की पिक्चर कर सकते हो, उसके साथ 5MP का माइक्रो कैमरा यहाँ से मिलता है जो माइक्रो लेंस के साथ आता है, जहां आप माइक्रो लेवल का फोटो कैप्चर कर सकते हो। और फ्रंट कैमरा की अगर बात की जाए यहाँ पे 16MP का आप बहुत ही जबरदस्त कैमरा यहाँ से देखने को मिलता है, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच जैसे मैंने बताया डिस्प्ले में देखने में बहुत ही जबरदस्त देखने को यहाँ से मिलता है। बैटरी कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4520mAh की बैटरी और 20W चार्जिंग के फास्ट चार्जिंग के साथ ये आपको देखने को यहाँ से मिलता है। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए नॉर्मल कनेक्टिविटी जो NFC इसमें आप बहुत ही देखने को अच्छा मिलता है, उसके साथ आपको GPS वगैरह ब्लूटूथ 5.1 ये वाला टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है और इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ से देखने को मिलता है। दोस्तों 10X प्रो में आपको सेम ही चीज 10X जैसा ही देखने को मिलता है, हर एक मॉडल का जो भी ये लोग निकालते हैं प्रो एक मॉडल निकालते हैं, ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, सेम प्रोसेसर सेम आपका डिस्प्ले साइज हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर सेम ही MIUI 12 और एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको जो चेंजेस देखने को मिलता है मेजर वाला वो मिलता है कैमरे में दोस्तों। कैमरे में आपको जो देखने मिलता है दोस्तों यहाँ पे 48MP का प्राइमरी कैमरा जो आपको देखने में वही है, उसके बाद 8MP का आपको टेलीफोटो शॉटर आपको मिल जाता है, 3X ऑप्टिकल जूम, 5X हाइब्रिड जूम के साथ मिल जाता है एंड आपको 30X डिजिटल जूम यहाँ देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में आपको दोस्तों 20MP का कैमरा जो आपको देखने को मिलता है, जो आपको 10X में आपको 16MP का मिलता था बट इसमें आपको 20MP का कैमरा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ मैं थोड़ा सा चेंजेस इसमें किया है बैटरी में, जहां आपको मिलता है दोस्तों 4520mAh का बैटरी, जहां आपको 10X में 22W का मिलता था बट इसमें आपको मिलता है दोस्तों 33W का आपको एक बहुत ही बढ़िया फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरे फोन की अगर बात की जाए यहाँ पे दोस्तों जो 10X 4G है, पता नहीं ये वाले मॉडल को इन्होंने क्यों लॉन्च किया, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, 5G वेरिएंट के सेगमेंट में 4G लॉन्च कर रहे हैं भाई, कोई लेगा भी नहीं क्योंकि अभी सब 5G रिलेटेड हो रहे हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से देखोगे तो 4G रिलेटेड फोन अभी तक तो नहीं लेना, जो आगे जो आपका या 5G जनरेशन ही चलेगा, 4G लोगे फिर फोन वगैरह चेंज करना पड़ेगा, बट देख लेते हैं फीचर्स के बारे में। इसमें आपको सेम ही चीज जैसे आपको जो आपका रेडमी नोट 9 है वही सेम ही जैसा देखने को मिलता है, यहाँ पे डुअल नैनो सिम देखने को मिलता है, यहाँ पे वही MIUI 11 आपको देखने को मिलता है, जहाँ 12 आ चुका है अभी तक, फिर अपडेट आएगा फिर उसको अपडेट करोगे 5G नहीं आएगा फिर सिम
सिम स्लॉट को चेंज कर सकते नहीं हो, डायरेक्ट फोन ही चेंज करना पड़ेगा। पता नहीं रेडमी वाला हुआ क्या चलता रहता है, 4G फोन क्यों निकालते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी अगर बात कीजिए 4G वाले वेरिएंट के फोन के हिसाब से, मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं है वाला, ये वाला फोन क्यों निकाले अभी तक। बट फीचर्स जान लेते हैं इसके बारे में। जो डिस्प्ले आपको देखने मिला था 6.53 इंच का आपको फुल एचडी एलईडी स्क्रीन आपको देखने मिला, जो आपको 394 पीपीआई पिक्सल के साथ मिल जाता है। वो भी ब्राइटनेस आपको लेवल जो मिलता है 450 NITS आपको देखने को मिल जाता है नीट्स का। उसके बाद आपके मीडियाटेक का जो प्रोसेसर लगा गया हीलियो 585 ऑक्टाकोर प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलता है। उसके साथ 6GB का रैम और 128GB का स्टोरेज यहाँ पे मिल जाता है। बस इन्होंने 4G वाले वेरिएंट में 5G से 4G कर दिया, और बैटरी में आपको थोड़ा एमएच ज्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बैटरी जो देखने मिला था 5020mAh की बैटरी, वो भी 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ देखने मिला। बट पता नहीं भाई बैटरी बढ़ा देते हो या जो 5G का टेक्नोलॉजी घटा देते हो, कौन लेगा मेरे को अभी तक समझ नहीं आया वाला फोन आएगा। बहुत ही रेयर लोग होंगे जो 5G कुछ हो गए 4G में अभी जाएंगे। सेकेंड जो उन्होंने लॉन्च किया था लैपटॉप को लेकर, लैपटॉप में आपको बहुत ही लंबा इन्होंने लैपटॉप को खींचा है। फोन और बाकी जो एक ब्रांड था उसमें आपको टीवी में आपको बहुत ही लंबा खींचा है लैपटॉप में। लैपटॉप को बहुत ही बार इन्होंने लॉन्च इवेंट में इसको अनाउंस तो किया है, बट इंडिया में उतना जल्दी लॉन्च करते नहीं है लोग, जो आता है तब तक तो बहुत देरी हो जाता है। स्क्रीन रेशियो की बात की 16.1 का स्क्रीन आपको देखने मिला, आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो भी आपको बहुत ही अच्छा लगता है प्रोसेसर देखने मिला। ज्यादातर मुझे MI का रेडमी का लैपटॉप वगैरह उतना पसंद आता नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ ये आप इसके देख पा रहे हो, यहाँ पे फीचर्स इसको पढ़ सकते हो। ये आपका स्क्रीनशॉट है, इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर देखने मिलता है। प्राइस रेंज के हिसाब से बात की जाए आपको लगभग आपका 38,000 से लेके 45 अराउंड आपको देखने को यहाँ से मिल जाता है। आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं हम तीसरे वाले यूनिट में, जहां मुझे बहुत ही पसंद आता है इसका रेडमी का टीवी वगैरह, टीवी सेगमेंट में। और इसमें आपको एक्स फैक्टर देखने को मिलता है, जहां ये आपका जो 10X हो गया 10X प्रो कर दिया इसको भी आपने रेडमी एक्स टीवी बना दिया। इनमें दो सेगमेंट में आपको देखने को मिलता है, 50 इंच का मिलता है, 55 इंच का मिलता है और 65 इंच में आपको ये अवेलेबल मिल जाता है यहाँ पे दोस्तों। जहां पे आप स्क्रीन अगर की बात की जाए, इसमें आपको अल्ट्रा 4K डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हर एक अगर 50 वाइज की 65 के अंदर लेते हो तो फुल एचडी डिस्प्ले तो देंगे नहीं, 4K अल्ट्रा आपको देखने में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी आ जाता है। स्पीकर क्वालिटी की अगर बात की जाए यहाँ पे दोस्तों, 12 वाट का आपका स्पीकर आपको देखने में, कम ही है 12 वाट देखा जाए तो। साउंड क्वालिटी देखते हैं कैसा है। और इसमें जो ऑडियो आपको मिलता है डॉल्बी ऑडियो HD आपको देखने को वहां से मिल जाता है। टीवी का अगर पावर की अगर बात की, यहाँ प्रोसेसर और रैम की अगर बात की जाए, क्योंकि एंड्रॉयड टीवी है जहाँ पावर की बात तो करना ही पड़ेगा ना, एंड्रॉयड टीवी है, इसमें आपको देखने को यहाँ से मिल जाता है दोस्तों क्वाटेक्स का A73 CPU के साथ ही आपको देखने को मिलता है, और उसके साथ आपको माली का 571 GPU और 2GB रैम और 32GB आपको स्टोरेज कैपेसिटी के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। प्राइस अगर की अगर बात कीजिए, जहाँ पे 21,200 से लेके इंडियन प्राइस के हिसाब से 35,000 के अंदर सेगमेंट में ये टीवी वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक प्राइस सेगमेंट के दिखा जाए बहुत ही बढ़िया है। अब इंडिया में आते हैं, कौन से प्राइस सेगमेंट में आता है वो इंडिया में आने के बाद ही पता चलता है। ये चाइना के प्राइस के हिसाब से रिगार्डिंग इसको कन्वर्ट किया जाए युआन से, तो इतना आपको निकल के आता है यहाँ। दोस्तों ये वाला जो वीडियो आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, रेडमी के लॉन्च इवेंट जो हुआ था उसका एक एक जो पार्ट के बारे में मैंने बताया, फोन के बारे में, लैपटॉप के बारे में और टीवी सेगमेंट के बारे में। आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। अगर ये चैनल मुझे पसंद आता है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करके कर दो। ऐसे लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड हो गया गेम रिलेटेड, ऐप रिलेटेड या कोई में इस चैनल में लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।